हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग कूल गेमर। तो गाइस, आज हम लेने वाले हैं तेंगू मैक। तो गाइस, पहले हम यहाँ पे चलते हैं हमारे फ्लैश डील्स के अंदर। फ्लैश डील्स में जाके गाइस ये देखो, तेंगू मैक है हमारा, इसको हम अभी कर सकते हैं परचेज। और इसकी एनर्जी कैपेसिटी बहुत कम है, 6, और इसकी एबिलिटी का नाम है स्काई स्ट्राइक। मैक्सिमम यह जाता है 16 एनर्जी तक। और इसकी एबिलिटी यानी आप समझ सकते हो कुछ स्टैटस बीम, कुछ रेडॉक्स जैसा, और साथ में लैंसर का भी इसके अंदर कुछ है गाइस। और इसकी एबिलिटी का डैमेज अभी 7000 है, पर गाइस इसकी मैक पावर काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं। पर चलो, अभी मैंने यहाँ पे कर लिया है परचेस, पेमेंट सक्सेसफुल। और अभी गाइस आ चुका है हमारा तेंगू मैक, जो कि है एक रेयर मैक, एकदम ओपी। चलो गाइस, अभी ना मैं ऐसे जल्दी से प्लेस करके इसके अंदर अपग्रेडेशन कर लेता हूँ। ओके, वेपन भी लगा लिया है, आर्कटोर एंड अचीवमेंट भी हो चुकी है। ओके गाइस, इसकी एचपी हो चुकी है 20,200, जो कि काफ़ी ओपी बात है। रोल है इस रोबोट का स्काउट। ओके चलो, अभी से चलते हैं, मैं अपने फ्रेंड को इनवाइट कर लेता हूँ। और गाइस, कस्टम के अंदर ना मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है, क्योंकि इसकी मैक पावर इतनी कम है कि ये मैचेस के अंदर तो टिक नहीं पाएगा, इसलिए इसे हम इसके अंदर ही मैच ट्राई करते हैं कस्टम में। ओके, इसका जंप करके देखते हैं। ओ गाइस, कितना ओपी, ऐसे उसका ज़मीन पे कदम पड़ता है एकदम गाइस, ऐसे स्टैटस इफेक्ट पड़ता है, ये देखना। ओ गाइस, बहुत ही ओपी, एकदम जैसे लैंसर हवा में जाता है और वो धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन ये ऐसा है कि ये लैंसर की तरह हवा में जाता है और झटके से नीचे आता है। 3, 2, 1, ओ कितना ही ओपी है ये तेंगू मैक। और गाइस, मेरा दोस्त कोशिश कर रहा है कि वो आगे का बीकन कैप्चर कर ले, बट गाइस उसने मुझसे पंगा ले लिया, तेंगू अब उसे नहीं छोड़ेगा। तो ये पहले बीकन कैप्चर करता है। ओके, लगता नहीं लैंसर। ओके, लैंसर मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा है, नो वे स्टार्ट इस बीम का अटैक। और इसी के साथ अभी गया किंग कूल, 1, 2, 3। और अभी मैं करूँगा अपनी अबिलिटी। ओ बूम, गाइस 8.2k का डैमेज। और इसी के साथ मैंने कर दिया है फर्स्ट ब्लड, सीधे बीकन के ऊपर हो चुका हूँ लैंड। ओके, यहाँ से तो उसने रॉकेट मोटर उतार ली। चलो गाइस, उसको ना जंप मार के ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। ओह, काफ़ी लेट किया मैंने, चलो कोई बात नहीं। गाइस, पैंथर ने शील्ड लगा ली, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि तेंगू की शक्ति ये है, एकदम ओपी। अभी शील्ड के अंदर से इस तेंगू एकदम ओपी है। अभी देखते हैं आगे कौन आने वाला है, कि किंग कूल फिर से उतर चुका है, इस बार किल शॉट लिया। चलो गाइस, मैं फटाफट से भाग के बीकन कैप्चर कर लेता हूँ। जंप की तो कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। ओके चलो, आराम से बीकन कैप्चर करते हैं। ओनो, रॉकेट मोटर का हमला, जंप। गाइस हम इससे बच गए। ओ नो, किल शॉट आ रहा है मेरी तरफ। गाइस मैंने उसको देखा, उसको फ्रीज इफेक्ट लग गया है किल शॉट। यही है गाइस तेंगू ओपी। अभी ये बूम गाइस, इतनी दूर से इफेक्ट लग गया, ये तो नहीं मुझे पता था इतनी दूर से भी लग सकता है इफेक्ट। तो गाइस देखते हैं किंग कूल कहाँ पर उतरेगा। वैसे भी मैं इन्फ्लुएंस से तो जीत ही जाऊँगा। ओ नो ज़ेफर, थोड़ा बच के खेलना होगा। ओ नो, फिर भी गाइस मैं जीत चुका हूँ मैच, और इसी के साथ बन चुका है MVP The Ultimate Tengu. Okay, guys, gold medal इतने सारे। अब यहाँ पे continue पे क्लिक कर देते हैं।
और ना अभी हम एक फ्रेंड वाला मैच करेंगे, इसके अंदर हम दोनों एक ही टीम के हो गए, पर इसके अंदर गाइस हमने टेस्ट करना है कि तेंगू आई मीन काम कैसे करता है, काम नहीं आई मीन तेंगू वर्सेस लैंसर करना है हमने। चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे मैंने Three, उतार दिया अपना तेंगू। two, one, भाई वैसे इसका नाम Let's काफी get अलग है। started. चलो भाई अभी कोई भी कर नहीं कैप्चर करेगा। ये देखो भाई लैंसर का जंप ऐसे होता है आराम से। अभी देखते हैं कौन इसके ऊपर चढ़ सकता है। चलो मैं और लैंसर एक साथ करेंगे। 3 2 1। ओके अभी नहीं। 3 2 1 जंप। ओ भाई तो पहुंच ही नहीं पाया। और लैंसर ओके अब करता हूँ जंप। भाई देखो वो ऊपर नहीं पहुंच पा रहा तेंगू। अलावा मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बार मैं इधर से ट्राई करता हूँ। भाई वो ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। इस यानी इससे ये पता चलता है कि तेंगू की जंप इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि तेंगू को हवा में उड़ने के बाद नीचे को स्ट्राइक भी करना पड़ता है और लैंसर को ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। इसलिए देखो भाई जो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, और गाइस लैंसर आराम से चढ़ जा रहा है। ये बात है। ये देखो अभी मैं इसी तरीके से चढ़ सकता हूँ। पहले मैं इधर कदम रखूँ यहाँ बैरियर पे, फिर यहाँ से ऊपर को जंप मारूँ। यही एक्ट्रिक। और गाइस शैडो में देखो उसके कैसे दिख रहे हैं हॉर्न्स, एकदम ओपी। और अभी गाइस देखते हैं। ओ बूम गाइस मैं इधर आके आया और लैंसर का जंप देखते हैं। देखो गाइस लैंसर का जंप भी मुझसे ज़्यादा ऊंचा है। मैं इधर लैंड किया और लैंसर उधर लैंड किया। चलो गाइस अभी ना देखते हैं, रेस करके देखते हैं अभी कि कौन यहाँ से आगे वाले बीकन तक पहले पहुँच पाता है। चलो फिर करते हैं रेस। 3 2 1 जा। ओ नो गाइस किंकुल ने गलती से जंप कर दिया। ओके अभी एकदम साथ में खड़े हो जाओ भाई। 3 2 1 भागो। ओ नो मैं फंस गया। भागो भागो। नो गाइस लैंसर आगे निकल रहा है पर नहीं होने दूंगा। हम दोनों की रेस चल रही है और गाइस लैंसर की वजह से मैं जीत चुका हूँ। ये गाइस मैं रेस जीत गया। चलो अभी यहाँ से रेस लगाते हैं सेंटर बीकन तक। यहाँ से लगाएंगे एकदम पीछे से कि इधर से 3 2 1 और भागो जल्दी जल्दी जल्दी। ओ नो लैंसर आगे निकल रहा है। गाइस मैं तेंगू ज़्यादा तेज चलता है ये चीज़ नोटिस की। भाई तो उसके पैर भी जल्दी जल्दी रख रहा है तेंगू। ओके पहले मैं ही पहुंचूंगा। जाम। ओके और मैं जीत चुका हूँ इसी के साथ। यस इस किंकुल ने मेरे गुड जॉब कही है। और गाइस इसी के साथ मैं जीत भी चुका हूँ। तो गाइस तेंगू की एबिलिटी काफी ओपी सी है। चलो अभी यहाँ से रेस करते हैं एक। ओके जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नहीं तो इसकी जंप की वजह से हम रेस के अंदर पीछे तो रह सकते हैं, वैसे पीछे निकल सकते हैं, पर एक बार फिर से तेंगू जीत चुका है। पर गाइस बस तेंगू स्पीड के मामले में हार जाता है। स्पीड के मामले में तो मेरा मतलब जीतता है, वो जंप के मामले में हार जाता है। ओ आई एकदम पार्टी। There is 1 minute left. कहानी असली विनर इसके अंदर किसको कह सकते हैं हम। वैसे गाइस दोनों का ड्रॉ हो चुका है क्योंकि एक पॉइंट लैंसर की तरफ और एक पॉइंट मेरी तरफ। तेंगू जीता स्पीड में, लैंसर जीता जंप। बाकी तो इनके अंदर चीज़ें सेम ही हैं। आई तक किंकुल अपने आप को नीचे गिराने वाला है। 30 seconds remaining.
किंकुल ने अपना रोबोट गिरा लिया नीचे। अभी गाइस मैं भी अपना रोबोट नीचे गिरा लेता हूँ। ओके लेट्स जंप। ओ नो, ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? गाइस देखो नीचे तो एक पूरा ऐसे ओशंस है। ओके गाइस ये है स्काई बेस। चलो अभी टीम में फायरिंग करते हैं। दिस इज आवर मैच जो है मैच जी। ये यू हैव वन द मैच। गाइस तेंगू फिर भी कैसे टॉप मैच बन गया। अच्छा बीकन कैप्चर। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए किंग कूल गेमर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।